हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी संत महंत मंदिर किसी कथा में जाओगे तो प्रसाद तो ले आओगे भैया, क्या ले आओगे? लडुआ ले आओगे, सेव ले आओगे, केला ले आओगे, चूर्ण ले आओगे। तो शास्त्र इंगित करता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता, किसी कथा, किसी अग्रज गुरुजन के पास जाकर के जो प्रसाद प्राप्त होता है, वो प्रसाद कुछ और नहीं प्रसन्नता रूप में मिलता है। सेव लडुआ केला तो तुम्हारे ही पास है, खाए रहो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। क्या उस कथा के बाद, उनके दर्शन के बाद, उनके श्रवण के बाद, उनके साहचर्य के बाद आपके जीवन में प्रसन्नता का उद्भव हुआ? और अगर प्रसन्नता का उद्भव नहीं हुआ तो बेकार गया। यद्यपि छोड़ना मत, करत करत अभ्यास जलमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। आज न हुआ तो कल होगा, कल न हुआ तो परसों होगा, परसों न हुआ तो बरसों बाद होगा, लेकिन लगे रहना निरंतरता। एक विद्यार्थी जब तक निरंतर भाव से अपने अध्ययन के कार्य को संपादित नहीं करता, तब तक साधारण रूप से तो भले ही वो कुछ प्राप्त कर ले, आइए भी ये प्राप्त कर ले जाके, इधर उधर कुछ बैठ जाए, लेकिन मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में भी जो निष्णात डिग्रियां हैं, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे आप मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, कुछ भी, बहुत सारी चीज, IITN बन जाओ, IIM में चले जाओ, ये इतने IIM के लोग भी हनुमान चालीसा से सीखते। मजे की बात ये, अभी मैं दिल्ली में एक सेमिनार में था, IIM के डीन वहां पर थे, तो काफी चर्चा हुई, पहली बार मुलाकात थी, भारतीय स्क्रिप्चर्स के विषय में चर्चा चली, तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा से हम मैनेजमेंट सीखते, हनुमान जी की जीवनी से, सुंदरकांड से। एक बुक भी हमने बहुत पहले लिखी थी जो प्रकाशित है, सुंदरकांड मन का ब्यूटी पार्लर। तन के ब्यूटी पार्लर तो गली गली में है, तन का उजाला तो सब देख रहे हैं, पर मन में जो ऊधम मची है, मन में जो विषाद उत्पन्न हो गया है, उस विषाद के कारण सुंदर तन भी कभी आराम से नहीं रह पाता। इसलिए मन के ऊपर काम करने की जरूरत है। भारतीय शास्त्र, भारतीय धर्म, भारतीय मनीषी, भारतीय साधु, भारतीय संत तन पर काम नहीं करते। जिस मन के कारण मानसिक पीड़ाओं से व्यथित होकर जीव रोता ही रहता है, उस मन के ऊपर ऐसे कर्म कर देते हैं, कार्य कर देते हैं कि मन से जब स्वस्थ हो गया तो फिर वो आदमी मस्त हो गया। चाहे जितना भी व्यस्त हो, अगर मन से स्वस्थ है तो मस्त है।